डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, मैथ क्लास फाइव, चैप्टर सेवन है, एक्सरसाइज 48। तो इसमें क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू कॉमन फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट टर्म्स। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो डेसिमल्स में दिया हुआ है नंबर जो है उसको फ्रैक्शन में बदलना है, और फ्रैक्शन को फिर सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब लोएस्ट फॉर्म में मतलब सबसे कम काट के जो आएगा उसमें कन्वर्ट करना है, तो वही उसका आंसर होगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर JKL। तो इसको हम लोग यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसको करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90, तो इसमें पॉइंट हटा देते हैं, और यहाँ पे पॉइंट के बाद थ्री डिजिट है, इसका मतलब वन पे तीन जीरो लगेगा, 1000 हो गया। अब इसको हम लोग फाइव से काट सकते हैं, फाइव से काटते हैं, फाइव टू जा 10 हो गया, और 20 इस पर आ जाएगा, ये कट गया। अब यहाँ पे 5 1 जा 5 कितना हो गया, 4, और यहाँ पे 40 हो गया, तो 5 8 जा 40, उसके बाद फिर 5 1 जा 5, यहाँ पे 3 बच गया, तो इसका मतलब है कि 5 6 जा 30 हो गया, और 5 1 जा 5 ये कट गया। अब ये किससे कट सकता है, अब ये कटने वाला नहीं है, तो मतलब कितना हो गया, इतना हो गया 18161/200। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो फिर हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं 200 181 61, यहाँ पे 200 वन बार में तो जाने वाला है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग फोर डिजिट मिलेंगे, तो 2 9 जा 18 होता, ठीक है, तो 9 बार में जाएगा 18, फिर 2 जीरो लग जाएगा। अब यहाँ पे 6 1, और ये कट गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो अब ये 200 से छोटा है, इसका मतलब ये रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 9 and 161 by 200, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे 675, और यहाँ पे 1 देके 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, तो इसको 5 से काटते हैं, 5 2 जा 10, ये 0 20 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे 5 1 जा 5 1, तो 5 2 जा 10 यहाँ तक कट गया, ये 0 इस पे आ जाएगा, और 5 1 जा 5, तो यहाँ कितना बच गया, 2 5 5 जा 25, ये कट गया। अब यहाँ पे 5 है, इसका मतलब है कि ये फिर से 5 से कटेगा, तो 5 4 जा 20 होता है, और ये 5 12 है, यहाँ पे 5 2 जा 10 हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, तो 5 4 जा 20, और यहाँ पे 1 जाएगा, तो फिर ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, और 5 3 जा 15, इतना से कट गया ये। अब क्या ये 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, लास्ट 2 डिजिट जो है चेक करने का रहता है 4 से, अगर वो कट रहा है तो सब कट जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कटेगा, इसका मतलब ये आ गया कितना, इतना बाय 4। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, इससे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 03 कितना हो गया, 4 6 जा 24 कट गया, ये 0 आया नहीं गया, फिर ये 0 दिए, फिर यहाँ पे 3 दिए, अब फिर नहीं गया, इसका मतलब है कि यहाँ फिर से 0 आ जाएगा, 600 हो गया। अब जो है इसका आंसर ये हो जाएगा 600 and 3/4, ये आंसर हो गया। अब इसको लेते हैं, लास्ट ये है 1 नंबर में, यहाँ दिया हुआ है 95.48, तो पॉइंट हम लोग को रखना नहीं है, इसको मिटा देते हैं, 48/1 देके 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर था, तो यहाँ पे किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 से काट लेते हैं, 50, इसका आधा 50 हो गया, और यहाँ 2 4 जा 8 हो गया, 1 बच गया, तो 2 7 जा 14, यहाँ 1 बच गया,
टू सेवन जा 14 और 2 4 जा 8, इतना बार में गया, फिर 2 से जाएगा तो इसको 25 कर देते हैं, और इसको 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पे 2 3 जा 6 हो गया, फिर यहाँ पे बच गया कितना 1, तो 17 हो गया, तो 2 8 जा 16, यहाँ 1 बच गया, 2 7 जा 14, इतना बार में ये गया। अब इसके आगे 87 आ गया, यहाँ पे 23 87, तो इस तरह से ये कटने वाला नहीं है, लास्ट में कितना आ गया है इतना बाई 25, तो नीचे में छोटा है, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, तो इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे 23 87, तो यहाँ 25 है, इसका मतलब 3 डिजिट में जाएगा, तो लास्ट 10 तक जो है 250 होता है, तो 9 बार में 200, 9 बार में हो जाएगा 225 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 बार में हम लोग लेते हैं 225, ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया, और ये कट गया। अब यहाँ पे इतना हुआ, तो कितना 25, 5 जा 125 होता है, तो 5 बार में हम इसको लेते हैं 125, ये 2 और यहाँ पे 1, ये कट गया, इसका मतलब है कि यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 95 and 12 by 25, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है।